आगे बढ़ते हैं, अजमेर से खबर है। शुरू हुआ शांति मार्च, सर्वधर्म की धर्मगुरु शामिल हुए हैं, साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी मार्च में शामिल हुए हैं। सुभाष उद्यान से शुरू हुआ और गांधी भवन तक ये चलने वाला है, गांधी भवन पर जाकर समाप्त होगा। देश में अमन शांति और भाईचारे का संदेश दिया जा रहा है। बीते दिनों अजमेर में चल रहा तनाव का माहौल और अजमेर से एकता का संदेश दिया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों को जरा देखिए। सर्वधर्म की तरफ से ये मार्च निकाला जा रहा है और इस मार्च की जरूरत है। इस मार्च की जरूरत इसलिए क्योंकि धार्मिक आधार पर जो कट्टरता मन के अंदर भरी जा रही है वो अब हत्यारा बना रही है। ऐसे में जरूरी है हर किसी के लिए समझने के लिए कि अगर कोई धर्म सबसे ऊपर तो वो इंसानियत का धर्म है, और यह संदेश तभी दिया जा सकता है जब सर्वधर्म एक साथ एक कदम के साथ आगे बढ़े और ये मानकर चलें कि धार्मिक कट्टरता को दूर करना है, सभी को एक साथ शांति के साथ रहना है, और इसीलिए यह शांति मार्च किया गया है। मेरे सहयोगी शुभम जुड़ गए। शुभम, अजमेर के अंदर वैसे भी गंगा जमुनी तहजीब रही है, लेकिन जिस तरीके से बीते दिनों में हुआ, क्या आप ये मानते हैं कि इस सर्वधर्म शांति मार्च के बाद लोगों की सोच बदलेगी और जो संदेश दिया जा सकता है वो दिया जाएगा क्योंकि हाथों में तिरंगा है? जी बिल्कुल विजेंद्र, मैं आपको बता दूं, अजमेर के अंदर बीते कई दिनों से माहौल जो था वो तनावपूर्ण हो रहा था और लगातार जो बयानबाजी आ रही थी और जो वीडियो वायरल आ रहे थे उनसे लेकर के लगातार सांप्रदायिक सौहार्द था वो बिगड़ता जा रहा था। लेकिन लगातार प्रशासन से अलग अलग समुदाय के लोग अपील कर रहे थे कि एक ऐसी रैली निकाली जाए शांतिपूर्वक जिसमें सभी धर्म के धर्मगुरु हो, प्रशासन हो और तमाम लोग जुड़े ताकि उससे एक शांति का मैसेज जा सके। उसी को ध्यान में रखते हुए कल जिला कलेक्टर में बैठक कही गई जिसके अंदर तमाम हिंदू धर्म के और मुस्लिम धर्म के, सिख ईसाई तमाम धर्मों के धर्मगुरुओं को बुलाया गया और निर्णय लिया गया कि अजमेर के सुभाष उद्यान से एक रैली निकाली जाएगी जिसमें लोगों के हाथों में तिरंगे होंगे और जिला कलेक्टर और जिला एसपी जो हैं वो इस रैली के अंदर शामिल होंगे, साथ ही साथ जो धर्मगुरु हैं वो भी इसके अंदर शामिल होंगे और शांति का और एकता का प्रतीक बनाते हुए पूरा जो शांति की अपील लोगों से की जाएगी। जो ये रैली निकालने का मकसद यही है कि देश के अंदर एक मैसेज जाए कि जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो बना रहे और जो लगातार तनावपूर्ण स्थितियां जो बन रही थी उन स्थितियों को सुधारा जा सके। अगर बात करें अजमेर की तो अजमेर के अंदर जहां ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है तो वहीं पुष्कर में जगत पिता ब्रह्मा का भी मंदिर है, तो लगातार हिंदू मुस्लिम एकता अजमेर के अंदर बनी रहती थी, लेकिन बीते कई दिनों से जो एकता थी उसके अंदर कहीं ना कहीं डगमगा। अगर इस मार्च की बात की जाए तो जरा बताइए कौन कौन से धर्मगुरु जुड़े हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है वहां से यहाँ पे जो खादिम समुदाय के लोग हैं वो उसके अंदर शामिल हैं, क्रिश्चियन समाज के लोग भी इसमें शामिल हुए हैं। वहीं जो गुरुद्वारा है यहाँ पे अजमेर में गंज थाने के नजदीक उस गुरुद्वारे के भी महंत यहाँ पे आए हैं और जो अलग अलग तमाम जो धर्मगुरु हैं वो उसके अंदर शामिल हुए हैं। हालांकि कुछ धर्मगुरुओं ने जरूर दूरी बनाई है लेकिन अधिकतर धर्मगुरु उसके अंदर शामिल हुए हैं और तमाम समाज के लोग भी इसके अंदर शामिल हैं। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से भी इसके अंदर अधिकारी मौजूद हैं और पुलिस प्रशासन ने पूरा इसको निकालने का शांतिपूर्ण निकालने का बेड़ा उठाया था, तो पुलिस के भी तमाम अधिकारी, तमाम थानाधिकारी, अजमेर एसपी चुनाराम जाट, एएसपी विकास बागवान, वैभव शर्मा, प्रियंका रघुवंशी, छवि शर्मा और सुनील सियाग जैसे तमाम अधिकारी भी इस यात्रा जो शांति मार्च है इसके अंदर शामिल है। अब ये शांति मार्च शुरू हो चुका है और ये दौलतबाग जो सुभाष उद्यान है वहां से शुरू होकर के अब ये दरगाह की तरफ जाएगा, जो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है वहां से होता हुआ ये सीधे मदार गेट और मदार गेट के बाद गांधी भवन पर खत्म होगा। गांधी भवन पर कह सकते हैं जो राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गान के बाद इसका समापन किया जाएगा। लेकिन विजेंद्र, मैं आपको बता दूं जो ये शांति मार्च निकल रहा है इसका तमाम लोग स्वागत कर रहे हैं क्योंकि लगातार लोगों के अंदर मन में डर पैदा हो रखा था, जो डर था वो बना हुआ था, उस डर को खत्म करने के लिए तमाम जो धर्मगुरु हैं उनको एक जाजम पर ला करके प्रशासन के साथ मिलकर ये शांति मार्च को निकाला जा रहा है। तमाम मंदिरों के होते हुए ये मार्च निकाला जा रहा है। अभी ये जैन समाज की नशिया है वहां से ये पार हो चुका है और नशिया के बाद अब गर्ज थाने के नजदीक पहुंच चुका है फवारा चौराहे पे, जहां पर लोग पुष्प वर्षा करके इनका स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो पुष्प वर्षा कर रहे हैं और पुष्प वर्षा के साथ ही जो मार्च है वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। अजमेर एसपी सुनाराम जाट, अजमेर जिला कलेक्टर अंशदीप भी इसमें आगे लीड कर रहे हैं और उनके साथ साथ तमाम धर्मगुरु भी पीछे की तरफ से हाथों में छोटे छोटे बच्चों के हाथों में तिरंगे आपको दिख रहे होंगे, साथ ही तिरंगों के साथ साथ जो अन्य लोग हैं स्काउट के लोग हैं वो भी सिविल डिफेंस है वो भी इसके अंदर शामिल है और वो सभी मिलकर के एक संदेश देना चाहते हैं कि अजमेर जो है वो शांति का प्रतीक है, सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है और लगातार यहाँ पे किसी भी तरीके की धार्मिक जो भावना है उनको ठेस नहीं पहुंचाया जा सकता। बीते दिनों लगातार दरगाह वीडियो जरूर
वायरल हो रहे थे, लेकिन वीडियो को जो सांप्रदायिक स्वार्थ उसको बनाने के लिए। शुभम, क्या इसको इसलिए भी जरूरी माने क्योंकि सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं है अजमेर और पुष्कर, पर्यटन स्थल भी है, और जहां अगर पर्यटक महफूज खुद को महसूस नहीं करेगा तो फिर उसकी वजह से वहां वो पहुंचेगा नहीं। उनको सुरक्षित कराना भी, महसूस कराना भी जरूरी, और इसलिए भी रैली जरूरी थी। जी बिल्कुल विजेंद्र, देखिए अभी हाल ही में ईद उल अजहा का पर्व जो मुस्लिम समाज का बड़ा पर्व है वो निकल के गया था, उसमें देखा गया था कि तमाम ईदगाहों पे, मजारों पे और जो मस्जिद थी वहां पर जो नमाजी नमाज अदा करते थे उनकी संख्याओं में घटौती हुई थी। अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह विश्व में प्रसिद्ध है, जहां पर जन्नती दरवाजा भी खोला जाता है, लेकिन जो अभी ईद का मौका था उस टाइम पे जो बाहर के आने वाले जायरीन थे उनकी आवक भी कम हुई थी, तो काफी नुकसान व्यापारियों को हुआ था, क्योंकि बड़े त्यौहार हैं इनके, उस टाइम पे अगर व्यापारी इनके व्यापार नहीं होंगे तो उनको नुकसान हो रहा, चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हो चाहे मुस्लिम समाज के लोग हो, उनको काफी नुकसान हो रहा था व्यापार की तरफ से भी, पर्यटक के रूप से भी। तो अजमेर, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। जब एक निशान सिर्फ तिरंगा होगा और एक धर्म सिर्फ इंसानियत होगी, तब फिर इन शांति मार्च की भी जरूरत नहीं होगी। लेकिन हमें अंदर से सोचने की जरूरत, क्या वाकई में हम एक राष्ट्र के लिए नहीं सोच सकते?